आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से विद्यार्थियों को टैबलेट मिलेगा और कौन कौन से विद्यार्थियों को स्मार्टफोन। साथ ही मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन से श्रमिक या फिर मजदूर हैं जिन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा, और वीडियो के अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि आपको स्मार्टफोन या टैबलेट किस तारीख को और किस कंपनी का दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखने को मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस जानकारी को जानने के लिए हमारे पास एक न्यूज़पेपर कटिंग है, वह मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता देता हूँ। इसके जो मेन मुख्य पॉइंट हैं वह मैं आपको पढ़ के यहाँ पर सुना देता हूँ। तो योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन किसे किसे दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे टैबलेट कौन कौन से विद्यार्थियों को यहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे लिखा है 2021 में तकनीकी शिक्षा के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों तकनीकी शिक्षा डिप्लोमा ITI में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों में BSc और SSc नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग के विद्यार्थियों को यहाँ पे टैबलेट दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लिखा है कि स्मार्टफोन किन किन विद्यार्थियों को मिलेगा। स्मार्टफोन यहाँ पे स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों, सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल श्रमिकों, यहाँ पे लिखा है स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन, और जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उन्हें सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल श्रमिकों, MSME विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, SC ST स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना और ODOP की प्रशिक्षण योजना में पंजीकृत परीक्षार्थियों को यहाँ पे स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जो श्रमिक हैं उन्हें यहाँ पे जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना या फिर सेवा मित्र पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण हो जिनका, यहाँ पे उन्हें भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये स्मार्टफोन कब से यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस जानकारी को जानने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आना है। जानकारी के मुताबिक टैबलेट और स्मार्टफोन को का वितरण 20 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी, जो दिसंबर की 20 तारीख है उसके बाद आपको यहाँ पे टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सी कंपनी के यहाँ पे आपको टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आएंगे आपको, तो यहाँ पे लिखा है वित्तीय निविदा पूरी, सैमसंग, लावा और एसर करेगी सप्लाई। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे देने वाली है, सैमसंग, लावा और एसर कि यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।